मैं आई मेरी माँ को पैसे। कहाँ चली गई है सुबह सुबह निधि? इसके लिए खाना बना के रख देती हूँ, आएगी तो खा लेगी, रोज लेट हो जाती हूँ। कुछ ना आया। आटा भी ना है, ये भी खा ली है। हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या खागी मेरी बच्ची आज? ये तो हमेशा पीते ही रहते हैं, मजे ने पीने का जो होश ही ना रहता। पता नहीं कहां से आएगा, मालिक भी पैसे देंगे ना देंगे, देखूंगी कह के। अरे बेटिया सो रही है, आज मैं इससे ही भीख मांगवाऊंगा, कम से कम शाम को दारू का जुगाड़ तो कर देगी मेरा। बार बार मुझे इसकी मम्मी से मांगने पड़ते हैं पैसे, अब मैं उससे मांगूंगा, बहुत गरूर है ना उससे अपने पैसों पे। अब मैं डेली इससे भीख मांगवाऊंगा और दारू के पैसे इकट्ठे कर। चलो मैं इसे उठाता हूँ। वंशी वंशी उठ बेटे, चल बाजार को चल ले, ठीक है? तेरे को बोल लगी है ना। टाइम पे ना मिलते, घर पे मेरी बच्ची भूखी होगी आज तो। शाम को तो मकान मालिक भी आ जाएगा, मैं कहाँ से किराया दूंगी? आज तो मेरी बच्ची भी भूखी है सारा दिन, बाबूजी कह रहे हैं शाम को पैसे दूंगा। अरे बहन क्यों रो रही तू, क्या परेशानी है तने? क्या बताऊं बाबूजी, मैं तो इतने गरीब घर से और फिर मेरा पति रोज दारू पीवे, मैं किराए के घर पे रहूं, शाम को पैसे लेने आएंगे, मैं क्या करूं? अच्छा बहन एक काम कर, बट्टे से काम करने से बेहतर तू मेरे घर काम कर ले, तुझे ज्यादा पैसे दूंगा मैं कमाने के लिए और तेरे घर का गुजारा चल जाएगा। ठीक है बाबूजी, मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगी, तुम अपना एड्रेस बता दो। अरे बहन ना मेरा गाँव है रजपुरा अरुणा रोड पे, ठीक है? राव चौधरी अर्ज की से पूछ लिए। अच्छा बहन मैं चल रहा हूँ, काम की चिंता मत लिए। ठीक है मैं कल आ जाऊंगी फिर। ठीक है
बाबूजी मैं काम छोड़ रही। क्यों, काम क्यों छोड़ रही है? बस ऐसी बाबूजी। क्या बात हो गई, पैसे ना मिलते? ऐसी बात ना बाबूजी। तेरी मर्जी, तो छोड़ रही तो अब क्या करें। ठीक है, ठीक है बाबूजी। आपसे तो बहुत कड़वी हो रही है मेरी जाने मन, पर तुझे पीनी ना छोड़ू, चल तुझे घर देखूंगा, वहां देखूंगा तुझे मैं कितना पानी में कितना मीठे में। तू पता ना कहाँ चले गए बाबूजी, कह रहे थे शाम को पैसे ले जाइए। मिले थे ना वो काम के लिए? हाँ, मैंने काम के लिए बोला था, मैंने बुलाया था आपको। जी। तो घर में काम बहुत कुछ फैला हुआ पड़ा है, तो आज से तुम काम करने लगो। जी मैं कल से आ जाऊंगी, आज तो मैं थक गई और वैसे भी काम छोड़ के आई हूँ ना, मेरी बच्ची भी भूखी है। चलो ठीक है, आप कल से आ जाना। जी अंकल जी, मुझे पैसे दे दो। क्यों बेटा, भूख लग गया? तो पापा नहीं है आपके? पापा दारू पीते हैं। पैसे वगैरह नहीं है मेरे पास, जाओ यार। कैसे कैसे माँ बाप है यार, बच्चों को पैसे मंगवाते हैं पता नहीं। बस पीने के लिए चाहिए, पता नहीं पीने के लिए कहाँ से पैसे आ जाते हैं। अपने बाप के पैसे नहीं पी रहा हूँ मैं, अपने बाप के पैसे। I love you too much।
सुन मन। अरे बेवड़े अंदर जाके सो जा, यही पड़ा रहेगा गेट पे। अरे मेरी जाने मन, तू ही हाथ लगा दे, मैं अंदर सो जाऊंगा जाके फिर। जा अंदर सो जा। अरे निधि कहाँ गई, वो ना दिखाई दे रही है आजकल, तेरे चक्कर में तो मैं अपनी निधि को भी भूल गई। चल देखो बिस्तर है बेवड़ा कहीं का। निधि निधि वो तो मेरी पीने का जुगाड़ करने गई। निधि आई लव यू निधि बेटे। अरे तू ही सारा लगा दे थोड़ा सा मुझे उठने में। तो बड़ी लाल लाल सी हो रही तू। तू शराब पी के घर का नाश कर रहा है। ए भाई पी ले और ला तुझे ड्रम भर के। तुझे शर्म ना आ रही?
क्या शर्म आवेगी मुझे? अच्छा तेरा शर्म आनी चाहिए, तेरे जी शर्म आनी चाहिए। तेरी घरवाली घर घर काम कर रही और तू शराब पी रहा, तू करता नहीं धरता नहीं कुछ नहीं, और तेरी घरवाली कमा के घर का गुजारा कर रही है। अरे तेरे दिमाग में बात शर्म आओगी ना आओगी? मुझे कौन है यार, है क्या? अरे जो मेरे घर में काम करे तू तो मुझे बदनाम कर रही है। मेरे घर में छाती में मरवाने मुझे भाई मुझे लूटे काट दूंगा। ज्यादा ना बोल रहा तू, चली जा मेरी नजरों के सामने, तेरी गर्दन पे चोरी मालिक तुम घर को चले जाओ, यो ना सुधरे ये तो ऐसी मरेगा बीबी के। ओके गाइस मैं छाती पे पिटवाने गई अपने यार को, पन्नू कह रही मेरा मालिक है मालिक, मुझे पता ना तू कहाँ गुजारा है ऐसे घर पर तो बैठा नहीं जाता तेरे पे, और मुझे धंधा को मना कराए पी रही तू भाई बड़ी चल गया। भैया जी मुझे पैसे दे दो। बेटा धराओ, तुम तो सुमन की बेटी हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पापा ने बोला है पैसे मांग के लाओ। देखो बेटा, कभी भी आज के बाद किसी से पैसे मत मांगना, ठीक है? मैं तुम्हें अच्छी सी चीजें खिलाता हूँ, आओ बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, बैठो। चले आपकी वजह से हुआ सब कुछ, इसने ना जाने कितनों की जिंदगी खराब कर दी, कितने घर बर्बाद कर दिए। इतना मना करती हूँ मत पिया करो, तब मैं बेइज्जती करा के रख दी। लोग घर पे जाने लगे, मेरा आदमी वहाँ पड़ा वहाँ पड़ा। ये तुम्हें जाने दे, तेरी गर्दन पे छुरी रहूँगी, छुरी। ली, हे जाने बोली, ये,
हाँ हाथ में दर्द है थोड़ा सा। अच्छा सुन, मुझे तुझसे बात करनी है। अरे वो कहाँ है मेरी बेटी? वो तो खेलने गई। सुमन तू मुझे माफ कर दिए, मैंने अपनी बेटी से भीख मंगवाई, तेरे साथ मार पिटाई करी, अब मैं खूब कहूँगा, तू टेंशन मत ले ठीक है, बस तू मुझे माफ कर दे, अब मैं तुझे किसी चीज की दिक्कत ना होने दूँ, अब तू घर पे रहिए, मैं कमा के ले आऊंगा ठीक है, बस तू मुझे माफ कर दे यार। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? पति चाहे जैसा भी हो उसकी पत्नी को मार चलता है। ऐसा भी पति किस काम का जो अपनी पत्नी को मारे। चलो कम से कम तुम सुधर तो गए। बस तू मुझे